हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाजीज किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ एक सिंपल डेजर्ट जो है कैरमल खीर। ये बेसिक चावल की खीर है थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने का प्रोसेस। आधा कप चावल, आप चाहे तो बासमती चावल भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए भिगोए। मैंने यहाँ 1 लीटर फुल फैट मिल्क गर्म किया है। दूध में एक उबाल आने के बाद भिगे हुए चावल डाल दें। फ्लेम को मीडियम से हाई रखते हुए चावल को 5 मिनट के लिए पकाएं और कंटिन्यूसली हिलाते रहें। अब फ्लेम को मीडियम रखकर पकाएं। मैंने यहाँ नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल किया है। अगर आप नॉर्मल पैन यूज कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली हिलाते रहें ताकि चावल नीचे से ना पकड़े। पैन के किनारों में जमी हुई मलाई को स्क्रेप करके डालें, इससे खीर टेस्टी और गाढ़ी बनेगी। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं चावल पक चुके हैं। अब इसे साइड में रख दें। कैरमल बनाने के लिए पैन में 1 टेबलस्पून घी लें। फ्लेम को हाई रखकर 5 से 6 टेबलस्पून चीनी डालकर अच्छे से घोल लें। आप देख सकते हैं चीनी घुलने लगी है। चीनी पूरी तरीके से घुल चुकी है, अब फ्लेम बंद कर दें। फ्लेम बंद करने के बाद चीनी में 1/4 कप पानी डालें और ढक दें। अब इसे खीर में डाल लें। अब खीर को और 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएं। कलर चेंज हो चुका है और घी छूटने लगा है। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल लें। खीर गाढ़ी हो चुकी है, और ज्यादा गाढ़ा ना करें, अब फ्लेम बंद कर दें। पैन में 1 टेबलस्पून घी लें। घी गरम होने के बाद 1 टेबलस्पून काजू डालें। 1 टेबलस्पून बादाम डालकर हल्के से फ्राई करें। काजू और बादाम को खीर में डाल लें। चलिए डिश आउट करते हैं। इसे ठंडा या गरम जैसे भी चाहे आपकी मर्जी सर्व करें। कटे हुए पिस्ता से गार्निश करें। हमारी डिलीशियस कैरमल खीर खाने के लिए रेडी है।